विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य निषेध की टीम और कदम कुआं थाने में संयुक्त कार्रवाई कर कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र पथ स्थित ओम बिहार रेस्टोरेंट में एक गुप्त कमरे में छापेमारी कर शराब तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने कुल 7 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक छपरा का पूर्व मुखिया भी बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान शराब माफिया ने बताया कि चुनाव से पहले बिहार में 15 करोड़ की शराब लाने का ठेका मिला था। उमा सिंह ने बताया कि इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्से से बिहार में शराब की खेप ला चुका है। आपको बता दें, ओम बिहार रेस्टोरेंट में शराब तस्करों की शराब तस्करी को लेकर मीटिंग हो रही थी। जब इसकी जानकारी मध्य निषेध विभाग की टीम को लगी, तब मध्य निषेध विभाग की टीम और कदम कुआं थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओम बिहार रेस्टोरेंट की छापेमारी की। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट में बने एक गुप्त कमरे के अंदर चल रही शराब की डीलिंग कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल इन शराब माफियाओं की सारी डीलिंग व्हाट्सएप मैसेज के जरिए होती थी। व्हाट्सएप पर कंफर्म होते ही छपरा से शराब की खेप पटना के शराब माफियाओं को पहुंचाई जाती। पकड़े गए सभी शराब माफियाओं ने पुलिस के सामने दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उन लोगों का गिरोह पूरे पटना के छोटे मोटे अवैध शराब व्यापारियों को शराब की सप्लाई करता है। हाँ, ये मध्य निषेध विभाग के सहयोग से उनके इनपुट के आधार पर छापामारी की गई, जिसमें कि शराब कारोबारी लोग पकड़े गए हैं और कुछ नगद भी पकड़ा गया है, बाकी अनुसंधान जारी है। सर, ये लोग किस तरह से शराब खेप लाया करते थे? अब ये तो अनुसंधान चल रहा है, ट्रक वगैरह से ये लोग मंगाते थे, कई तरह का नेक्सस है इन लोगों जो देखा जा रहा है। इसमें पूर्व मुखिया भी शामिल है सर, वो जांच की विषय है, खोज की जा रही। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।